गॉड यानी भगवान देवता, जी यानी जनरेटर, ओ यानी ऑपरेटर, डी यानी डिस्ट्रॉयर और इन सभी से ऊपर है नंबर 9 की शक्ति यानी कंट्रोलर, जिसे कहते हैं परब्रह्म, द सुप्रीम पावर ऑफ यूनिवर्स। ब्रह्मांड के सीक्रेट कोर 369 में नंबर 9 की शक्ति उस परम तत्व की शक्ति है जिसका पॉजिटिव प्रभाव आपका कल्याण कर देगा, आपको मोक्ष प्राप्त करवा देगा और इसी का नेगेटिव प्रभाव आपका विनाश भी कर सकता है। अगर आप भी एक अच्छी लीडरशिप करना चाहते हैं, आप एक सेनापति की तरह अपनी टीम का नेतृत्व करना चाहते हैं, आप में भी जोश, उत्साह और सहकार की भावना बढ़े और आप चाहते हैं कि सबका साथ मिले और सबका विकास हो और आप एक कंट्रोलर बनना चाहते हैं, तो आपको नंबर 9 के रहस्य को जानना होगा। क्या है नंबर 9 की शक्ति, नंबर 9 किस तरह से हमारे जीवन पर प्रभाव डालता है और नंबर 9 की शक्ति का किस तरह से हम अपने जीवन में लाभ प्राप्त कर सकते हैं, तो आइए जानते हैं नंबर 9 के इस अद्भुत महात्म्य को। तो मित्रों, सबसे पहले जानते हैं कि नंबर 9 क्या है। नंबर 9 एक ऐसा अंक है जो सभी अंकों की शक्तियों को कंट्रोल करता है। हमारे नंबर सिस्टम में 10 मुख्य नंबर होते हैं जिसमें नंबर 9 आखिर में आता है और इसके बाद कोई भी नंबर नहीं आता। नंबर 10 यह कोई नंबर नहीं है, यह बस एक कॉन्सेप्ट है जिसे हम अपनी बात रखने के लिए यूज करते हैं। असल में सब कुछ नंबर 9 से ही शुरू होता है और नंबर 9 पर ही आकर खत्म हो जाता है और बीच में आने वाले नंबर भी इसी में विलीन हो जाते हैं। अब आप कहेंगे कि नंबरों की शुरुआत तो 0 से होती है, लेकिन हम आपको बता दें कि हमारे वैदिक मैथ्स में भी इस बात का उल्लेख है कि नंबर 9 0 के समान है, 9 बराबर 0 और 0 बराबर 9। आइए इस बात को समझते हैं। आप कोई भी एक नंबर ले लीजिए जिसमें 9 हो या 0 नंबर मौजूद हो, अब हम उसका डिजिटल रूट निकालते हैं। अब हमें जो परिणाम मिला है वही परिणाम जब हम नंबर 9 की जगह 0 लिखकर उसका डिजिटल रूप निकालते हैं तब भी वही परिणाम मिलेगा और यह उस हर नंबर के साथ होगा जिसमें 0 या नंबर 9 मौजूद हो। 0 की जगह आप 9 लिखो या 9 की जगह आप 0 लिखो, परिणाम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यह तो आप जानते ही होंगे कि 0 को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने पर परिणाम 0 ही आता है। इसी तरह 9 को भी किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने पर उसका डिजिटल रूट 9 ही आता है। यानी कि नंबर 9 सभी नंबरों में है भी और नहीं भी, यानी कि नंबर 9 इस सृष्टि के बनने से पहले भी मौजूद था और बाद में भी मौजूद रहेगा। नंबर 9 की वजह से ही 3 और 6 नंबर क्रिएशन और संचालन कर पाते हैं, यानी कि क्रिएटर भी वही है, ऑपरेटर भी वही है, डिस्ट्रॉयर भी वही है और कंट्रोलर भी वही है। नंबर 9 ही सब कुछ है, हर चीज में मौजूद होने के बावजूद यह कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करता, यानी कि यह नंबर सब कुछ होते हुए भी शून्य के समान है। नंबर 9 एक ऐसा फिनिशिंग पॉइंट है जहां आकर सब कुछ खत्म हो जाता है और वहीं से सब कुछ शुरू होता है। माँ के गर्भ में रहा बच्चा भी 9 महीने के बाद ही जन्म लेता है और जन्म लेते ही उसके अंत के शुरुआत का आरंभ होता है। नंबर 9 उस परम शक्तिशाली और परम तत्व शिव का प्रतीक है जो निराकार है, जो परब्रह्म रूपी है और उसी सदाशिव के साकार स्वरूप शिव का भी प्रतीक है। नंबर 9 लाल ग्रह मंगल का भी प्रतीक है। नंबर 9 माता दुर्गा और मंगला गौरी का भी प्रतीक है। नंबर 9 नेगेटिव और पॉजिटिव शक्तियों का भी प्रतीक है। अब ऐसे नंबर 9 का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका ज्ञान हर किसी को होना ही चाहिए। आगे की बात जाने इससे पहले इस प्रस्तुति को लाइक कर दीजिए। प्रिय मित्रों, हमारे जितने भी जन कल्याणकारी शास्त्र है इनमें नंबर 9 का बड़ा ही विशेष महत्व है। हमारे शास्त्रों की संख्या 18 है जिसका योग 9 अंक बनता है। हमारे पुराणों की संख्या 18 है, हमारे उप पुराणों की संख्या भी 18 है, महाभारत के पर्व भी 18 है, श्रीमद् भगवद गीता के भी 18 अध्याय है और 18,000 श्लोक है। महाभारत के युद्ध में 18 अक्षौहिणी सेना थी और अंत में 18 योद्धा ही जीवित बचे थे। तो आपको क्या प्रश्न नहीं होता है कि यह सब 18 के अंक में ही क्यों है? 1 और 8 बराबर 9, लेकिन 3 प्लस 6 बराबर 9 भी हो सकते हैं, तो 36 का अंक क्यों नहीं रखा गया? 2 प्लस 7 बराबर 9, तो 27 का अंक क्यों नहीं रखा गया? क्यों 18 का अंक ही रखा गया? क्या विशेष है इस 18 के अंक में जिसका संयोग 9 अंक बनता है? तो आप इस चित्र में देख सकते हैं
कि 9 अंक के एक तरफ एक नंबर है तो दूसरी तरफ 8 नंबर है। एक नंबर सूर्य का है और 8 नंबर शनि का है। आप में से कई लोग जानते होंगे कि सूर्य और शनि पिता पुत्र है, लेकिन इनमें जरा सी भी बनती नहीं है। दोनों के बीच 36 का आंकड़ा है। सूर्य यानी कि पॉजिटिव शक्तियों का कंट्रोलर और शनि यानी कि नेगेटिव शक्तियों का कंट्रोलर, और इस दोनों तरह की शक्तियों का कंट्रोल जिसके पास है वह है नंबर 9। और इसीलिए पॉजिटिव और नेगेटिव शक्तियों पर नियंत्रण रखने वाले हमारे जन कल्याणकारी ग्रंथों में 18 अंक का विशेष महत्व है। अगर आप पर नंबर 9 की विशेष और सकारात्मक कृपा होगी तो आप आध्यात्मिक व दिव्य जीवन जीने की क्षमता व विशेषता रखते हैं। जन्मजात ही आपका झुकाव ईश्वर की ओर होता है। आप निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करते हैं और आप क्षमाशील होते हैं। आप किसी भी बात को ज्यादा देर अपने अंदर नहीं रखते हैं। आपके अंदर मानवता का गुण होता है। आप में सहनशीलता होती है, उदारता होती है। आप दानवीर होते हैं। परोपकारिता व धर्मावलंबी होना आपकी अन्य विशेषताएं हैं। अंक 9 में सभी अंकों का समावेश माना जाता है, इसलिए आपके भीतर अंक 1 का नेतृत्व करने का गुण शामिल होगा। अंक 2 के प्रभाव से आपके अंदर सहयोग की भावना होगी। अंक 3 की कल्पना व प्रेरणा शक्ति आपके अंदर होगी और 4 के प्रभाव से आप में आदेश और निर्माण करने के गुण होंगे। अंक 5 के गुण से वृद्धि व उन्नति करेंगे। आपके अंदर 6 अंक के प्रभाव से सभी से प्रेम करेंगे व जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक रहेंगे। 7 से बुद्धिमत्ता व पूर्णता मिलेगी और अंक 8 के प्रभाव से सत्ता पाने वाले व न्याय करने वाले होंगे। आप में सभी अंकों की विशेषताएं तो होती ही है, साथ में इस 9 अंक की अपनी स्वयं की विशेषताएं जैसे भाईचारा, बंधुओं से प्यार व देवत्व का भी गुण होता है। तो मित्रों, यह था नंबर 9 का सकारात्मक प्रभाव, लेकिन आपको नंबर 9 के नकारात्मक प्रभाव को भी जानना होगा। नंबर 9 के नकारात्मक प्रभाव से आप स्वार्थी बन जाते हैं। आप में गुस्सा, चिड़चिड़ापन और रौद्रता आती है। आप सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं। आप सोचते हैं कि भाड़ में जाए दुनिया, भाड़ में जाए जीव सृष्टि, सिर्फ मेरा भला होना चाहिए। आप अभिमानी बन जाते हैं। आप सृष्टि के नियमों के विरुद्ध कार्य करना शुरू कर देते हैं। आपको लगता है कि सब कुछ आपके कंट्रोल में है और आप सर्वशक्तिमान हैं। जैसे रावण, दुर्योधन और हिटलर, सद्दाम हुसैन जैसे कई तानाशाह, जिनका अंत कैसे हुआ कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नंबर 9 की शक्ति अपना कार्य करती ही रहती है। नंबर 9 की शक्ति कल्याणकारी भी है और विनाशकारी भी है। ऐसा क्या करें कि हम इस नंबर 9 की शक्ति का सकारात्मक और कल्याणकारी लाभ प्राप्त कर सके? आइए जानते हैं। नंबर 9 की ब्रह्मांडीय शक्ति का लाभ प्राप्त करने के लिए हमें जानना चाहिए कि नंबर 9 की शक्ति क्या कहती है। नंबर 9 की शक्ति उस परम तत्व की शक्ति है, और परम तत्व कभी नहीं चाहेगा कि उसके एक क्रिएशन को लाभ हो और दूसरे को हानि। वह चाहता है कि सबका कल्याण हो, और जो कल्याण करना चाहता है उसका तो विशेष रूप से कल्याण हो। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने हमें एक श्लोक दिया है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। अर्थात सभी प्रसन्न रहें, सभी स्वस्थ रहें, सबका कल्याण हो, किसी को भी कोई दुख ना रहे। नंबर 3 की शक्ति से आपने ज्ञान प्राप्त कर लिया है। नंबर 6 की शक्ति से आपने धन संपदा प्राप्त कर ली है, तो आपका अगला जीवन लक्ष्य होगा जन कल्याण। नंबर 9 की शक्ति चाहती है कि आप अपने ज्ञान से, अपनी समृद्धि से और अपनी सेवा से जन कल्याण का कार्य करें। जिस तरह से रतन टाटा और बिल गेट्स जैसे पूंजीपति अपनी संपत्ति का बड़ा हिस्सा जन कल्याण के लिए दे देते हैं। अब कई लोग कहेंगे कि हमारे पास तो ज्ञान की और संपत्ति की कमी है, हम कैसे जन कल्याण का कार्य करें? तो जन कल्याण के लिए जरूरी नहीं है कि आपके पास धन संपत्ति हो। अगर आप एक किसान है और अपनी फसल में जहरीली दवाइयां और केमिकल्स नहीं डालते तो भी वह जन कल्याण है। अगर आप एक अध्यापक है और गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाते हैं तो वह भी जन कल्याण है। अगर आप पुलिस, वकील और जज है और सत्य का साथ देते हैं तो वह भी एक जन कल्याण है। जीव दया करना, प्रकृति के तत्वों की रक्षा करना और उन्हें पवित्र बनाए रखना, अपने से नीचे के लोगों का शोषण ना करना भी जन कल्याण है। नंबर 9 की शक्ति कहती है कर भला तो हो भला। अगर आप एक लीडर बनना चाहते हैं, बॉस बनना चाहते हैं, कंट्रोलर बनना चाहते हैं,
तो अत्यंत जरूरी है कि आपको दूसरे लोगों का सहयोग प्राप्त हो, और दूसरे लोग आपका सहयोग तभी करेंगे जब आपके द्वारा उनका कुछ कल्याण हो रहा हो। आपकी योजना में जितना ज्यादा लोगों का भला हो रहा होगा, उतने अधिक लोग आपको सहयोग देंगे। अब नंबर 9 मंगल ग्रह का भी प्रतीक है, और मंगल ग्रह हमारे रिश्तों में भाई, बंधु और मित्र को दर्शाता है। यानी कि नंबर 9 कहता है कि हम सभी जीवों को अपना भाई, बंधु और मित्र मानते हुए विश्व बंधुत्व की भावना पैदा करें और सभी मनुष्यों, प्राणियों और जीवों के प्रति मिठास और करुणा रखते हुए वसुधैव कुटुंबकम की भावना को साकार करे। और इसीलिए हमारे पूर्वजों ने कहा है कि ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यम करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति ही शांति ही शांति ही। अर्थात हम सभी एक दूसरे की रक्षा करें, हम साथ साथ भोजन करें, हम साथ साथ काम करें, हम साथ साथ उज्जवल और सफल भविष्य के लिए काम करें, हम कभी भी एक दूसरे से घृणा ना करें। अगर आप अपना विकास करना चाहते हैं तो सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा। सबका साथ सबका विकास, यह नंबर 9 की शक्ति का सूत्र है जिसे हमें हमेशा याद रखना होगा। अगर इस जन्म में आपने जन कल्याण का कार्य किया है और किसी कारणवश इस जन्म में आपको इसका फल नहीं मिल पाया है, तो यह नंबर 9 की शक्ति आपको उसका फल आपके अगले जन्म में अवश्य देगी ही देगी। तो मित्रों, आपको यदि हमारी यह प्रस्तुति थोड़ी सी भी ज्ञानवर्धक और उपयोगी लगी है तो कमेंट में अपने इष्ट देव और आराध्य का नाम अवश्य ही लिखिएगा। और ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हम आपसे अपने ही चैनल आर्यलोक को सब्सक्राइब करने का आग्रह करते हैं। अगर आप ब्रह्मांड के सीक्रेट कोर 369 की शक्तियों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको यह वीडियो अवश्य देखना ही चाहिए। धन्यवाद।